हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गवर्नमेंट कंपनी। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ एंड द थर्ड टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और हमने क्या कर लिया भाई, पहले ही डिस्कस क्या कर लिया है, फर्स्ट टू टाइप्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड द पब्लिक कॉरपोरेशन। वी आर नाउ डिस्कसिंग द थर्ड टाइप ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट कंपनी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or partially by the state and central government is known as government company। भाई कोई भी कंपनी हो, अगर उस कंपनी का क्या है टोटल शेयर, जो टोटल पेड अप शेयर है उसका 51% कौन होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसी कंपनी, या तो फिर दोनों मिलके क्या करती हैं, होल्ड करती हैं सेंट्रल और स्टेट पार्शली, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं भाई, गवर्नमेंट कंपनी कहती हैं। द गवर्नमेंट कंपनीज आर द गवर्न्ड बाय द रूल, गवर्न्ड एंड द रूल बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 लाइक द एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी। तो जैसे अदर नॉर्मल कंपनीज रेगुलेट होती हैं जस्ट लाइक दैट, ये इनका भी क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है और ये नॉर्मल कंपनी से क्या होती है रेगुलेट होती हैं, गवर्न होती हैं बाय द कंपनीज एक्ट 1956। जब कंपनीज एक्ट अमेंड हो गया, अब कंपनीज एक्ट क्या हो गया 2013, तो अब किससे रेगुलेट होंगी, कंपनीज एक्ट 2013 से रेगुलेट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल्स हैं इन गवर्नमेंट कंपनीज के, सेल, द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड and the state trading corporations and the Hindustan Machine Tools are the examples of the government companies। ठीक, क्या है कुछ examples हैं किसके, government companies के। तो ऐसे company जिसके अंदर क्या हो भाई 51% paid up, total paid up shares capital की क्या हो, holding हो, चाहे तो state government की हो चाहे central government की हो या दोनों की क्या हो मिलकर partially क्या कर लें, hold कर लें, तब पर भी उसे हम क्या कहेंगे, government company कहेंगे। फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। द फर्स्ट इज व्हाट द रजिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट कंपनी गेट द इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी एंड द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सम प्रोविजंस बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशंस। क्या है भाई, इनका भी रजिस्ट्रेशन एज नॉर्मल क्या होता है, जैसे कंपनियां होती हैं वो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब किसके अंदर करवाती है भाई, कंपनीज एक्ट 2013। लाइक दैट नॉर्मल कंपनियों की तरह इनका भी क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है, पर अगर इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन चाहिए होते हैं, स्पेशल राइट चाहिए होते हैं गवर्नमेंट कंपनी को लेकर, तो उन्हें क्या होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। यस, ओनरशिप, द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं भाई, जो ओनरशिप होती है गवर्नमेंट कंपनीज की वो किसकी होती है, यह तो राज्य सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है, और जो ये शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स होल्ड करती है गवर्नमेंट कंपनी, वो किसके नाम पे करती है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के नाम पे क्या होते हैं वो शेयर्स होल्ड होते हैं। यस, द थर्ड फीचर इज व्हाट द मैनेजमेंट, द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी कैसे मैनेज होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेज होती है, ग्रुप डायरेक्टर से मैनेज करते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चयन करता है इनका, इनका चयन कौन करती है, सरकार और जो अदर शेयर होल्डर्स होते हैं वो मिलकर करती है, बट जो मेजोरिटी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो कौन देता है, वो गवर्नमेंट देती है, क्योंकि इसकी होल्डिंग क्या होती है कंपनी में शेयर्स को लेकर ज्यादा होती है इसलिए। थर्ड फीचर, तीसरी क्या चीज पाई जाती है भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या है भाई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब हमने पढ़ा था तो वहां देखा था क्या है, उसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को हम गवर्नमेंट से अलग नहीं कर पाते थे, मतलब बहुत ही क्लोजली लिंक्ड होती थी, पूरा कंट्रोल होता था, पूरा इन्फ्लुएंस होता था गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर। पर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड द पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये क्या होती है, ऑटोनॉमस बॉडीज होती है, ये अपना डिसीजन और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, इंडिपेंडेंट चलाती है। ये हो गई फोर्थ फीचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ फीचर इज व्हाट, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, द गवर्नमेंट कंपनीज आर सब्जेक्टेड टू द मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, द कंसर्न मिनिस्ट्री टेक द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द मिनिस्ट्री मे इश्यू द डायरेक्शन एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। भाई क्या होता है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, क्योंकि जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं गवर्नमेंट कंपनी में, वो किसकी नॉमिनेटेड होती है, गवर्नमेंट की खुद की होती है, तो ये डायरेक्टर्स क्या होते हैं,
मिनिस्ट्रियल्स जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं इन इन द प्लेस ऑफ द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के जहाँ वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्रीज को क्या होते हैं, मिनिस्टर्स को प्लीज प्लीज करने की चक्कर में क्या होते हैं भी लगे होते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट कंपनी इंजॉय द बोरोइंग पावर, इट कैन रेज द कैपिटल एंड इश्यू द वेरियस सिक्योरिटीज। ये पैसा क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, प्लस साथ साथ में क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं। भाई सिक्योरिटीज में क्या है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, पैसे रेज कर सकते हैं, और जो भी रेवेन्यू हो और जो इनकी इनकम हो, जो इनके थ्रू अपने नॉर्मल ऑपरेशन से क्या करते हैं, अर्न करते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन से उसे स्पेंड कर सकते हैं फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ये क्या होती है, यहाँ पर इनके पास वित्त आजादी क्या होती है देखने को मिलती है, वित्त की क्या स्वतंत्रता देखने को मिलती है कि उसका क्या कर सकते हैं, पैसों का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे लोगों से क्या करते हैं, जनरल पब्लिक से क्या करते हैं, रेस कर सकते हैं, लोन बोरो कर सकते हैं बाहर से, थर्ड पार्टी से, बैंक से। तो ये इनके पास पावर्स होती है। इफिशियंट स्टाफ, हाँ भाई क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टाफ होता है वो कैसा होता है, इफिशियंट होता है। द रिक्रूटमेंट रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ एंड दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द सिविल सर्विस रूल। क्या भी कंपनियां होती हैं, इसमें क्या होता है, रेम्यूनरेशन जो रिक्रूटमेंट होता है, हायरिंग होती है, वैकेंसीज होती हैं, वो क्या करती हैं कंपनियां खुद, गवर्नमेंट कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं क्या वेजेस होंगी, क्या सैलरीज होंगी, कौन से पैकेज देने हैं, तो वो क्या होते हैं खुद डिसाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, और इस पे क्या है, कोई भी गवर्नमेंट का रूल और सिविल सर्विस रूल नहीं लगता है। तो इस तरह से क्या है, एक अच्छा पैकेज, अट्रैक्टिव पैकेज देते हैं, जिससे इन्हें क्या मिलता है, ये एक इफिशियंट और कॉम्पिटेंट क्या है, स्टाफ मिलता है, और जो इनको क्या करवाता है भी अच्छे रिजल्ट्स क्या है, फेवरेबल रिजल्ट्स और पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। अकाउंटेबिलिटी, यस, गवर्नमेंट कंपनीज आर द अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड and its annual report is presented and discussed in the parliament and the state assembly। भाई क्या है कि इसके जो भी operational होगा, जो भी इसका क्या होगा, annual operation होगा, उसका result क्या होगा, annual report discuss होती है। भाई annual report कहाँ discuss होगी, ये तो क्या होगी, ये तो discuss क्या होगी भाई, annual report discuss होगी, ये आपकी state assembly में होगी या parliament में discuss होगी, मतलब जवाबदेही होती है किसको, जनता को। government companies की भी क्या होती है, जवाबदेही होती है किसको, जनता को। Yes, now we are going to discuss the merit and the advantages of the government company. क्या क्या फायदे हैं और क्या merits हैं, plus हैं for the government company. The first thing is what? Administrative autonomy. भाई क्या होती हैं ये bodies, क्या होती हैं government companies, autonomous होती है, means they are not and the political, there is no political and the government interference at all. It can function freely from smoothly under the general vigilance of the government and the suitable changes can be introduced whenever the needed and within the provision of the Companies Act. भाई इनका administration क्या होता है, स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, government और political influence क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इससे क्या होता है कि ये कंपनियां क्या करती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं अपने decisions को लेकर के, और इनके decisions क्या होते हैं, quick होते हैं और effective होते हैं। Yes, the greater flexibility. The government companies are managed and financed and audited just as any other private sector company and it can therefore secure the greater flexibility in the freedom of the operation and the quickness and action in the running of enterprises. Kya bhai inko operations kya hai, inki auditing accounting jo hai sab ek private sector enterprise ki tarah hi hoti hai, sath sath mein kya hai inki autonomy hoti hai, financial autonomy hoti hai, administrative autonomy hoti hai। तो एक तरीके से क्या है, पूरे ओवरऑल जो एंटरप्राइज है वहां पर क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम को लेकर के, ऑपरेशंस को लेकर के और डिसीजंस को लेकर के। कोलैबोरेशन, यस, इन द गवर्नमेंट कंपनी, दीज गवर्नमेंट कंपनियां जनरली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं विद द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, किस लिए मिलती हैं प्राइवेट कंपनियों से, फॉर हायरिंग एंड टेकिंग द गुड थिंग्स, लाइक द कोई नई एक्सपर्टाइज लेना चाहते हैं, क्या कोई टेक्निकल स्किल, टेक्निकल नो हाउ लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई नई जानकारी, कोई नई टेक्निक आई है काम करने की, या फिर क्या कोई स्किल, मैनेजरियल स्किल ये क्या करना चाहते हैं, हायर करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, उन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, प्राइवेट से क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। जनरली क्या होता है, ये कोलैबोरेशन क्या बनती है, मेरिट की तरह साबित होती है क्या, पूरे एंटरप्राइज के लिए। यस, नाउ द डीमेरिट्स, क्या क्या कमियाँ हैं, कमियाँ लैकुनास क्या है भाई, डीमेरिट एंड डिसएडवांटेजेस। ऑटोनॉमी ऑन द पेपर, सो व्हाट,
जो फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती कि गवर्नमेंट कंपनीज को होती है, वो असल में क्या है, थ्योरेटिकल है। इन प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है किसका, गवर्नमेंट का, क्योंकि ज्यादातर डायरेक्टर्स जिनकी है गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फुल्ली कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को। यस, सेकेंड डिमेरिट क्या है भी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यस, क्या है भी, द गवर्नमेंट कंपनीज को क्या समझते हैं, मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर क्या करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लगातार मंत्री लोग क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में, और उनकी पॉलिसीज में क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के, एंड दे फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द विम एंड द फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर। क्या भी जैसे चाहते हैं उस तरह से क्या है, पॉलिसीज बनाते हैं और उनके डिसीजन को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं गवर्नमेंट की कंपनीज को, कौन, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। बोर्ड पैक्ड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है भाई, जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या है, जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके अपॉइंटेड होते हैं, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड होते हैं। सो दीज डायरेक्टर आर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर द इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा काम पे ध्यान ना देकर के ये क्या करते हैं, सरकार को खुश करने में लगे रहते हैं, प्लीज करने में लगे रहते हैं, और इस तरह से क्या होता है, जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसका लॉस होता है। तो ये क्या बन जाती है, डीमेरिट बन जाती है, बोर्ड पैक विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। क्या करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादा डायरेक्टिव गवर्नमेंट का होना, ये भी क्या है, डीमेरिट बन जाती है। ये सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी क्या है भाई, किस कब किन सरकमस्टांसेस में गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है भाई, कुछ फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट, द गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट एनी नेशनलाइजेशन, बिना राष्ट्रीयकरण किए हुए। क्या चाहती है गवर्नमेंट, किसी एक प्राइवेट कंपनी को क्या करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है उस कम, इस केस में क्या कर ले, वो गवर्नमेंट कंपनी सेटअप कर ले, मतलब क्या कर ले, एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल क्या कर ले, उसकी होल्ड कर ले। गवर्नमेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ कोलेबोरेशन विद द प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट क्या चाहती है, जाना चाहती है, हाथ मिलाना चाहती है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से, तो उस केस में भी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनी सेटअप कर सकती है गवर्नमेंट। थर्ड फैक्टर फॉर इस्टेब्लिशिंग द सच टाइप ऑफ द एंटरप्राइज बाय द गवर्नमेंट, वो फैक्टर क्या है, अगर सरकार चाहती कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें क्या हो, गवर्नमेंट की प्लानिंग ऑफ फंड की जरूरत हो, तो उस केस में भी गवर्नमेंट कंपनी से क्या हो सकता है, सेटअप और एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, द फीचर, मेरिट एंड डीमेरिट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट कंपनीज, द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्चुअली। तो हमने क्या कर लिया है भाई, पहले सारे जितने भी ये तीनों एंटरप्राइजेस हैं, जो तीनों फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज को डिटेल में उनके फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट डिस्कस करने के बाद, अब हम क्या देखेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे, क्या डिफरेंस होते हैं तीनों के बीच में। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट, द फॉर्मेशन, एंड यू पीपल हैव टू राइट इन द एग्जाम इन द सेम फॉर्मेट। क्या है, पहला कॉलम क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कॉलम होना चाहिए। आफ्टर दैट क्या है, जिन जिन आइटम, जिन जिन क्या है फैक्टर्स में आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो एलिमेंट्स के नाम होने चाहिए। लाइकवाइज जैसे कि हम जा रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कंपेयर, पब्लिक कॉर्पोरेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में कंपैरिजन कर रहा है, तो उसके लिए हमने तीन कॉलम बनाए हैं और पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए एक कॉलम। इसी तरह से हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा फॉर्मेट होना चाहिए एग्जाम में भी। दिस इज अ वेरी एक्सेप्टेबल फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डिफरेंसेज, डिफरेंस लिखने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है। हियर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट, द फॉर्मेशन, इट इज अ फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है, जो भी मंत्रालय होता है इसे क्या बनाता है, एज अ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह इसे क्या करता है, सेटअप करता है, इस्टेब्लिश करता है। इट इज अ फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, या तो स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके जो इंटरप्राइज सेटअप करी जाती है उसको हम पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं। इट इज अ फॉर्म्ड नाउ द गवर्नमेंट कंपनी, इट इज अ फॉर्म्ड बाय गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनीज एक्ट रेगुलेटिंग है और क्या है रनिंग है उसके अंदर क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है एज अ नॉर्मल कंपनी,
उससे क्या होता है, सेटअप हो जाती है कौन सी, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का भी क्या है, प्रोसेस एकदम सेम है फॉर्मेशन का, लाइक द अदर नॉर्मल कंपनीज। लीगल स्टेटस क्या होता है, कानूनी इनका क्या है, एग्जिस्टेंस कैसा होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं, सरकार से क्या है इनसे अलग नहीं कर सकते, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये कहती हैं, कहते हैं दोनों क्या है क्लोजली लिंक्ड होते हैं, तो इन्हें एक सिंगल एंटिटी की तरह क्या है देखा जाता है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वहीं पर पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, सेपरेट एंटिटी है, इसे गवर्नमेंट से क्या है डिफरेंशिएट करके देखा जा सकता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडीज, इन्हें अज्यूम किया जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन को। वहीं पर क्या है भाई, इस केस में गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट कंपनीज में भी क्या है ऑटोनॉमस बॉडी माना जाता है, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फाइनेंशियल भी क्या होता है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यस, द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज वॉट द फाइनेंस, टोटली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट इन द बजटरी एलोकेशन। तो टोटल जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फंड आता है, इंडियन रेलवे एंड ऑल, तो वो सारा जो फंड आता है वो सीधे एलोकेशन से, बजटरी एलोकेशन से उन्हें क्या किया जाता है, डिप्यूट किया जाता है, अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द क्या है, बजट आया, बजट के अंदर डिफेंस का बजट आ गया, रेलवे का बजट आ गया, लाइकवाइज इट गेट द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट बट कैन बोरो द अन इंडिपेंडेंटली ऑल्सो। तो इनको क्या है, फंड मिलता है गवर्नमेंट से, पर ये क्या कर सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं स्वतंत्रता से, आजादी से क्या करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट क्या है थॉट और ऑटोनॉमस स्टेटस होने की वजह से क्या कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं बाहर से। सेपरेट फाइनेंसिंग इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेपरेट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड बाय टेकिंग द मेजर शेयर होल्डिंग एंड कैन बोरो द प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑल्सो एज इज ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या है भाई, गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, सेपरेट फाइनेंसिंग होती है, गवर्नमेंट क्या करती है एक्चुअली सब फुल फाइनेंस करती है गवर्नमेंट कंपनीज में। भाई उसको क्या करना होता है, टोटल पेड अप कैपिटल की क्या है 51%, एटलीस्ट 51% होल्ड करना होता है, तो एक तरीके से क्या है फाइनेंस कर रही है, और साथ में क्या है ये ऑटोनॉमस होती है, इंडिपेंडेंट होती है बोरो करने के लिए, तो ये बोरो भी करती है बाहर से। मैनेजमेंट, द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंट इज वॉट, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द कंसर्न्ड इंडस्ट्री। क्या है भाई, कौन कंट्रोल करता है इसे, गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द कंसर्न इंडस्ट्री, जो भी उस इंडस्ट्री का क्या है, उस एंटरप्राइज इंडस्ट्री का कंसर्न क्या होता है, हेड होता है, जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या करती है, उसको फुल्ली मैनेज और कंट्रोल करती है। मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्या होता है भाई, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन में, वो पूरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट से, और इसमें क्या होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, मतलब क्या होती है अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही बनती है इनकी क्या है पार्लियामेंट में, एनुअल रिपोर्ट क्या होता है सबमिट करना होता है। ये भी क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मैनेज होती है, नॉमिनेट कौन करता है गवर्नमेंट, बट उसके अंदर जो भी प्राइवेट शेयर होते हैं वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी क्या करते हैं अपने क्या करते हैं डायरेक्टर्स नॉमिनेट करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है, कौन कौन डायरेक्टर्स नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट भी एज वेल एज द प्राइवेट शेयर होल्डर्स। स्टाफ, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द सिविल सर्विस कोड एप्लीकेबल। तो जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो क्या बनते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, वो क्या करते हैं डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, वो क्या होते हैं इनके हेड्स होते हैं, और वो क्या करते हैं इन्हें रन करवाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, जो किसके थ्रू आते हैं सिविल सर्विस के थ्रू, अपॉइंटमेंट्स होता है इनका, और उसी के अंदर क्या इनकी वेजेस एंड सैलरी भी डिफाइन होती है। जबकि वही क्या है इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं होते हैं भाई, ये जो कॉर्पोरेशन होती हैं ये अपनी वैकेंसीज निकालती हैं, और अपने क्या है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इनका अपना क्या होता है खुद का होता है, सेल्फ क्या होता है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और इसी सेम केस क्या है भाई सेल भेल और इन कंपनियों में भी क्या है, हिंदुस्तान टूल्स इसमें भी क्या है, ये अपनी वैकेंसीज निकालती हैं अपने हिसाब से, क्या है अपना इनका क्या होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉट अटैच्ड विद द गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन और द सिविल सर्विस कोड। यस, द सिक्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट, द ऑटोनॉमी,
नो ऑटोनॉमी वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती, कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं होती डिसीजन को लेके, फाइनेंस को लेके, सब क्या कौन कंट्रोल करता है? फुल्ली बाई गवर्नमेंट, फुल्ली कंट्रोल बाई गवर्नमेंट होती है इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है? एज द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे वर्किंग। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी यहाँ पर देखने को मिलती है। वही क्या है भाई, सम फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो क्या है, यहाँ पर भी कुछ फ्रीडम्स क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दो केसेस में क्या है भाई, ऑटोनॉमी देखने को मिलती है, फर्स्ट केस इन पब्लिक कॉर्पोरेशन, और कुछ एक्सटेंड तक कहाँ पर, गवर्नमेंट कंपनीज। ओनरशिप, यस ओनरशिप, द सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज व्हाट, ओनरशिप, द होली ओन बाय द गवर्नमेंट, होली ओन बाय द गवर्नमेंट, टोटली जो कंट्रोल होता है, टोटल जो ओनरशिप होती है इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसकी, गवर्नमेंट की होती है, होली ओन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन में फुल्ली ओन किसकी होती है, ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, बट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज एटलीस्ट 51% शेयर आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या है, फिर एटलीस्ट 51 क्या करते हैं ये लोग, हेल्ड करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ शेयर्स में क्या होते हैं, प्राइवेट शेयर होल्डर्स के भी होते हैं। तो क्या है भाई, पूरी फुल्ली ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी के केस में, बाकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन इसके अंदर जो मालिकाना हक होता है पूरा किसका होता है, सरकार का होता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यस जवाबदेही, जनता को जवाबदेही कहाँ कहाँ बनती है, तो इन केस द हाईएस्ट एज अ वर्क अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, हाईएस्ट एज वर्क अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, तो इसके अंदर फुल क्या है, जवाबदेही होती है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के और फिर उसके बाद पब्लिक के, और इनको फुल अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। वही अकाउंटेबिलिटी क्या है, यहाँ पर भी बनती है पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ भी क्या है, अकाउंटेबिलिटी टू द मिनिस्ट्री कंसर्न। तो हर केस में क्या है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, ऑपरेशन के क्या है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट किए जाती हैं। तो तीनों तरह की क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में क्या है, अकाउंटेबिलिटी बनती है जनता को और रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, नन और वेरी लिटिल। जो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑपरेशन को लेकर के वो क्या होती है, जो इंडिपेंडेंसी कहते हैं, आजादी कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं, वो स्वतंत्रता क्या होती है यहाँ पर, इस केस में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्या है, ऑटोनॉमस नहीं है। वहीं पे क्या है, कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हमको देखने को मिल जाती है पब्लिक कॉर्पोरेशन में, जबकि इससे थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट भी होता है, प्राइवेट कोलेबोरेशन भी होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और फाइनेंस को लेकर के ज्यादा होती है। यस द पॉइंट, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस 10। तो 10th क्या है हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सुटेबिलिटी। तो सुटेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी भाई क्या, कौन कहाँ कहाँ भाई, डिफेंस हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीकॉम हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, यहाँ पर क्या है, इनके लिए सुटेबल क्या है भाई, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। वहीं पर हमारे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल इंटरप्राइजेस और द नेशनल प्रायोरिटी। तो भाई ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंटरप्राइज जिसकी क्या है, नेशनल और राष्ट्रीय क्या है, प्राथमिकता है और प्रायोरिटी है, तो उस केस में हम क्या चूज करते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन चूज करते हैं, तो वहां के लिए सुटेबल होती है। फिर वहीं पर भाई हमारी गवर्नमेंट कंपनीज कहाँ पर सुटेबल है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेज रिक्वायरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। भी डोमेस्टिक कैपिटल भी चाहिए और फॉरेन कैपिटल भी चाहिए, कोलेबोरेशन चाहिए, गवर्नमेंट का भी फंड चाहिए, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं भाई, डोमेस्टिक फंड विद द क्या है, फॉरेन कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी की तरफ रुझान बढ़ते हैं, तो वहां के लिए क्या है, सुटेबल होती है गवर्नमेंट कंपनी। आई होप यू पीपल वेरी वेल अंडरस्टैंड द होल डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।